कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ सभी के सभी बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेरा पर्सनल फीडबैक Realme Buds 2 के बारे में, मुझे कैसे लगा आपका 3 मंथ ऑफ यूज, उसमें कुछ इश्यूज आए क्या नहीं आए, क्या क्या इश्यूज आया और आपको ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, साउंड क्वालिटी कैसा है, क्या क्या है, क्या नहीं है, आज इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट से लेकर जरूर देखना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लेना मेरे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए वीडियो में अभी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जब इसको बाय करोगे तो आपको इसमें क्या क्या पैकेजिंग में आएगा। सबसे पहले आपको मिलता है इसके अंदर एक मैनुअल जिसको पढ़ के पता कर सकते हो कि किसको कैसे यूज़ करना है, क्या क्या है, लाइक प्लस से वॉल्यूम अप होगा, डाउन होगा, माइनस से, इसके बाद गूगल असिस्टेंट कैसे यूज़ कर सकते हो, कॉल रिजेक्ट एंड कॉल पिकअप कैसे करना है, वो सब मैनुअल पढ़ के आपको पता चल जाएगा। सेकंड उसके अंदर आपको मिलता है ईयर टिप्स, इसमें 4 ईयर टिप्स मिलेंगे आपको, ओवरऑल 6 रहते हैं, 2 ऑलरेडी कनेक्टेड रहेंगे, 4 आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, ओके। एंड इसके अलावा आपको मिलते हैं ईयरफोन्स। ये तो हो गया पैकेजिंग के बारे में, अभी हम बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी कैसे, क्योंकि सब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आता है बिल्ड क्वालिटी कैसे भाई, क्योंकि सबका वे ऑफ यूज ना ईयरफोन डिफरेंट होता है, तो बिल्ड क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। अगर इसको देखोगे तो ये ईयरफोन्स को अगर मैं इसको मिक्स करके मिजड के रख रहा हूँ ऐसा, उसके बाद भी अगर मैं इसको वापस से अलग करूंगा तो फिर भी ये एकदम परफेक्ट, देख रहे हो स्ट्रेट हो गया, देख रहे हो एकदम स्ट्रेट दिख रहे हैं। हाँ, तो इसका इसको बोलते हैं हम ड्यूअल ट्विनिंग, ओके। ड्यूअल ट्विनिंग मतलब क्या, जैसे अभी इसको रखोगे, जैसे आप वापस उसको सिंगल स्ट्रेट कर दोगे तो वापस वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। तो इसका वायर क्वालिटी मेरे को काफी अच्छा लगा, आप इसको इजी टू यूज कर सकते हो और उसमें कुछ जब तक आप उसको कट नहीं करोगे वो कट नहीं होने वाला है, ओके। अब सेकंड चीज बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि साउंड क्वालिटी, क्योंकि मेन हमें साउंड वॉइस सुनना है, ऑडियो सुनना है, जो हम ऑडियो बोलेंगे माइक के थ्रू वो क्लैरिटी कैसा है वो सब चेक करना है, ओके। साउंड क्वालिटी के बारे में बात करें तो सबसे पहले आते हैं ड्राइवर कौन सा यूज होता है, जिसमें ड्राइवर लगा है 11.2 mm का ड्राइवर लगा है, जिसकी वजह से क्या उसको बेस बूस्टेड मिलता है आपको, उससे साउंड क्वालिटी एकदम काफी क्लियर आने वाला है, जो बेस है एक नंबर उमदा है, क्योंकि मैंने 3 मंथ से यूज किया है इसको, डिफरेंट डिफरेंट मैंने सॉन्ग सुना है इसके ऊपर, ओके। कभी लाइक कव्वाली सुना है, कभी लाइक पॉप सॉन्ग सुना है, क्लासिकल सॉन्ग सुना है, रोमांटिक सॉन्ग सुना है बोल सकते हो, या सिंपली ट्यून इंस्ट्रूमेंट्स जो बजते हैं लाइक जो मेडिटेशन सॉन्ग, मतलब होता है ना मेडिटेशन करते हैं हम, जो उसमें खाली ट्यूनिंग होता है, जो फॉरेस्ट की जो साउंड्स होते हैं वो सब आप सुनोगे ना प्रॉपरली तो आपको एकदम क्लियर क्रिस्टल आपको लगेगा कि भाई एक्चुअली में मैं वहां पे सब, मतलब आपको फील आएगा एकदम क्लियर क्रिस्टल, एकदम साइलेंट, कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता साउंड में। तो साउंड क्वालिटी बोलेंगे तो A1 है, इसको मैं 5 out of 5 दूंगा साउंड क्वालिटी के लिए, ओके। अगर हम इसके बाद बात करें, अगर मैं इसको ईयर्स में लगा रहा हूँ तो ये कैसे सेट हो रहा है, अगर देखोगे आप मैं यहाँ पे लगा चुका हूँ एंड इसके बाद साइड में देखोगे एकदम परफेक्टली सेट हो चुका है, मैं इसको खींचूंगा और फिर भी निकलता नहीं है वो, ओके। अगर इसको जोर से खींचोगे तो निकल जाएगा, बट स्टिल देख रहे हो थोड़ा सी ये बाहर आया, मैंने इसको क्लियर किया है, पुल किया फिर भी थोड़ी सी बाहर आया, वो एकदम परफेक्टली सेट हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, कुछ बाहर का साउंड होता है ना वो प्रॉपरली आपको अंदर नहीं आता, लाइक इसकी वजह से नॉइस कैंसिलेशन अच्छा हो जाता है, आपको ज़्यादा बाहर का साउंड सुनाई नहीं देगा। और एक और चीज़ यहाँ पे, जब आप अगर कोई यूज़ नहीं करना है, सुनना नहीं है, तो आप उसको देखो ये मैग्नेटिक है, ये ऑलरेडी कनेक्टेड हो जाता है एक दूसरे के साथ, तो हो वो मिक्सअप नहीं होगा, इसको प्रॉपरली आप यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको एक और चीज़ मिल जाता है जो कि है माइक के लिए, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको इंडिकेट करता है यहाँ पे ये प्लस, आपको यहाँ पे इंडिकेट करता है ये प्लस और माइनस है कि लाइक आप इसको जब उस पर क्लिक करोगे तो आपका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ऐसे डाउन होगा। कॉल पिकअप के लिए भी दिया है आपको, जो सेंटर में बटन उस पर क्लिक करके आप कॉल पिकअप रिजेक्ट कर सकते हो, इसके लिए आपको मैनुअल पढ़ सकते हो, आपको वहाँ पे फंक्शनलिटी पता चल जाएगा। एंड उसके अलावा अगर हम बात करें, आपको यहाँ पे एक और चीज़ मिलता है जो कि केबल ऑर्गेनाइजर, अब बोलेंगे भाई इसका क्या यूज़ है, इसको कैसे यूज़ करना है, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल लो, मैंने इस ईयरफोन्स को ऐसा फोल्ड कर लिया, ओके। फोल्ड करने के बाद ये दिख रहा है आपको, इस वाले को आपको ऐसा पकड़ना है, यहाँ से ऐसा लेना है एंड इस तरीके से आपको यहाँ पे इसको सेट कर देना है, देख रहे हो प्रॉपरली सेट हो गया। अभी देख रहे हो ये एकदम परफेक्ट टाई हो चुका है, अब मैं इसको एक साइड से पकड़ू या 2 साइड से पकड़ू एकदम प्रॉपरली मैं कैरी कर सकता हूँ कहीं भी, ओके। इससे कोई भी मतलब मेरा एकदम मिक्स नहीं होगा वायर, प्रॉपरली ये उसको मैं परफेक्टली कैरी कर पाऊंगा इजिली कहीं भी, अब मैं पॉकेट में रख सकता हूँ, जेब में रख सकता हूँ एंड ऑल कहीं भी। अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में, आपको प्राइस का पड़ जाता है कुछ अराउंड 599 rupees, आपको Realme के वेबसाइट से मिल जाकर डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप कहीं से भी ले सकते हो, लाइक अमेजोन से डाउनलोड कर सकते हो या फिर कोई भी ऑफलाइन शॉप, मतलब आप जहाँ से डायरेक्ट दुकान में जाकर सब पूछ सकते हो और यहाँ से भी आप उसको बाय कर पाओगे डायरेक्टली। अगर आप चाहते हो अमेजोन के थ्रू बाय करना तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। अब बात करते हैं मेरा पर्सनल फीडबैक, मेरे को कैसा लगा। फर्स्ट ऑफ एंड ऑल, इस वाले को मैंने बाय किया था कुछ अराउंड अप्रैल 4 को शायद आपको दिखते हो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखता होगा, मैं बता दे रहा हूँ प्रूफ के लिए आपको। अप्रैल 4 को मैंने ये बाय किया था एंड जैसे मैंने इसको बाय किया उसके बाद से मैंने इसको स्टार्ट किया यूज़ करना और अभी क्या चल रहा है,
जुलाई 16 है आई थिंक अभी। तो जुलाई 16 से लेकर अप्रैल 4 तक अगर देखोगे ड्यूरेशन अराउंड 3 मंथ से ऊपर हो चुके हैं, और उसको 3 मंथ से ऊपर यूज कर रहा हूँ। डेली मैं इसको 11 आवर्स एक्चुअली मैं यूज करता हूँ, क्योंकि मैं ऑफिस के लिए यही ईयरफोन्स यूज करता हूँ कॉलिंग एंड ऑल के लिए, और कंटिन्यूसली मैं 11 आवर्स 10 आवर्स मतलब इसको यूज करता हूँ ईयरफोन्स कॉलिंग एंड ऑल के लिए। इसकी वजह से ना मेरे को जरा भी पेन नहीं होता है, मेरे को सबसे बेस्ट बात यही लगा, और साउंड क्वालिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं। अगर कॉलिंग में मोस्टली क्या रहता है कि जो आप वॉइस बोल रहे हो क्लियर क्रिस्टल जाना चाहिए। हाँ, सबसे मेन बात मेरे को क्या अच्छा लगा पता है क्या, इसका जो माइक दिया है ना, जैसे कि आप इसको यहाँ पे लगा रहे हो तो माइक है ना एकदम प्रॉपरली आपके इसके पास आता है, लाइक माउथ के पास। इससे क्या होता है, जो वॉइस आप बोलोगे प्रॉपरली जाता है, सामने लोगों को डिस्टर्बेंस नहीं, आपको ऐसा पकड़ने की जरूरत नहीं कि लाइक हाँ बोलो हेलो हेलो कैसा चल रहा है सबसे, ये गे नहीं, आपको ऐसा पकड़ के बोलने की बात नहीं है, आप सिंपली से छोड़ दोगे प्रॉपरली आपका वॉइस को कैप्चर कर लेता है। तो ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा इसमें। एंड दूसरा चीज़ यहाँ पे ये है कि इसको मम्मी ने वॉश कर दिया था, मेरे लाइक पॉकेट में रह गया था, उसकी वजह से ये वॉश हो गया था पूरा ली, मतलब कपड़ा धो के सूख गया। उसके बाद इसमें से मैं जब देखा जेब में हाथ डाल के, भाई ये निकला, उसमें पानी भी चले गया था। उसके बाद इसमें क्या किया, इसको ड्राई किया, इसको सुखाया जैसे, उसके बाद मैं जब इसको कनेक्ट करके सुना, ऑडियो क्वालिटी में जरा भी डिफरेंस नहीं आया, जैसा जैसा पहला बजता था वैसे ही अभी भी इसका क्वालिटी है, जरा भी डिफरेंस नहीं। तो मेरे को ये अच्छा लगा, स्वेट प्रूफ तो होता ही है मोस्टली, ये वाटर रेसिस्टेंट भी निकला, तो मेरे को ये काफ़ी अच्छा लगा इसमें। एंड मोस्ट ऑफ द थिंग मैं देखता हूँ ईयरफोन्स में, जितने भी ज़्यादातर मैं ईयरफोन्स का अनबॉक्सिंग करता हूँ, मैं देखा कि यहाँ से ये बैंड होते हैं, यहाँ से ये टूट जाता है। अगर हम पॉकेट में रख के ईयरफोन गाना सुन रहे हैं या फिर कॉलिंग एंड ऑल कर रहे हैं या फिर कहीं जा रहे हैं ट्रैवलिंग के टाइम पे, मोस्टली यहीं से बैंड होता है। अगर मोस्ट ऑफ द कंपनीज एल साइज में देते हैं, लेकिन ये एल साइज में नहीं है, बट स्टिल आप देखोगे इसको मैं कितना भी ये बैंड कर दूँ, मैं इसको देखो बैंड कर रही हूँ, सॉरी बैंड कर रहा हूँ, इसको मैं कितना बैंड कर रहा हूँ, बैंड करने के बाद भी अगर मैं इसको देखूंगा ना, आप जरा भी इसको मतलब प्रॉब्लम नहीं आया। उनके कितने दिन से यूज करो कि मोस्ट आप लैपटॉप में कनेक्ट कर रहे हो, तो अगर इसको ये ज़्यादा ये स्ट्रेच्ड आया तो ऐसा दिखता है वो, ओके। बट स्टिल ये अभी भी इसमें जरा से भी कट नहीं आया, कुछ भी इसमें इश्यूज नहीं है, तो मेरे को ये भी अच्छा लगा कि बड़ी एल साइज का नहीं है बट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो मेरे को इसलिए ये मेरा ईयरफोन्स आपको रिकमेंड करूंगा, आप चाहोगे ईयरफोन्स बाय करना अराउंड 600 के आसपास आप ले सकते हो, 599 का आपको मिल जाएगा इजिली कहीं भी। बस यही था इस वीडियो में, अगर आप कुछ भी डाउट होगा कुछ भी आपको इश्यूज होगा कमेंट्स में मुझे बता सकते हो, मैं आपको यहाँ पे इश्यूज आपका सॉल्व करने का मैं ट्राई करूंगा। और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कुछ भी आपके लिए मेरे लिए फीडबैक होगा कमेंट में मुझे बोल सकते हो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्थी, जावेद अली से साइनिंग ऑफ फॉर ए डे।